Yes, good morning everyone. So very good morning everyone. Yes, Rajat, Raunak, नरेंद्र, सबका क्लास में बहुत बहुत स्वागत है. तो सारे अग्निवीर योद्धा जो हैं वो क्लास में आ चुके हैं और युवक और युवती दोनों ही क्लास में आ चुके हैं, है ना. रेलवीर भी आ गए हैं, अच्छा बढ़िया. तो सारे वीर नौजवान हमारे क्लास में आ चुके हैं. क्लास को हम लोग शुरू करते हैं. सो ट्राई एंड फेल बट डोंट फेल टू ट्राई. आज का मोटिवेशन यही है. एक तो मोटिवेशन वो होता है जो आप लोग के विदिन से आता है, ठीक है. सो आई डोंट बिलीव दैट कोई दूसरा आदमी आपको मोटिवेट कर सकता है. आप अगर मोटिवेट हो सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ खुद से हो सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा. एंड नेवर बी मोटिवेटेड, ऑलवेज बी इंस्पायर्ड, ठीक है. तो ये सारी आज की ज्ञान की बातें हैं. और कभी भी ट्राई करने से आप फेल मत करिए, ट्राई करने से फेल मत कीजिए. ट्राई करके भले ही फेल कर जाइए, क्योंकि देखिए आपको बहुत बार हार मिलेगा. हो सकता है आपने बहुत सारे फॉर्म्स भरे हों, SSC, RRB, है ना, कोई भी फॉर्म भरे हों बहुत सारे, CDS, F-CAT, CAPF, JEE, और आप लोगों का रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है. लेकिन कोई बात नहीं, बहुत बार आप हारेंगे, सिर्फ एक बार आपको जीतना है. और एक बार जीतने के बाद पूरा डायनेस्टी आप बना सकते हैं. जैसे आप जानते हैं मोहम्मद गौरी बहुत बार हारा था, लेकिन सिर्फ एक बार वो जीता और उसके बाद जो हुआ आपको पता ही है. 1206 से लेकर 1857 तक बाहर का शासन रहा, यानी कि पहले 1526 तक दिल्ली सल्तनत, उसके बाद मुगल एम्पायर. तो ये सारी बातें आपको पता ही है. उसके बाद ब्रिटिशर्स आ गए. तो सब कुछ होना शुरू हो जाएगा, आपकी पूरी दुनिया ही बदल जाएगी. बस वन टाइम यू हैव टू विन. सो इस बात को सोचिए. और हाँ, रोज़ सुबह आपके पास दो चॉइसेस हैं. एक कि आपने जो सपने देखे हुए हैं आप उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़ें, और दूसरा चॉइस है कि फिर से सो जाएं और दोबारा वही सपनों को वापस से सपने में देखें. तो ये आपके हाथ में है, बहुत सारा मेहनत करना है. अब एग्ज़ाम्स पास आ रहे हैं, दो तीन एग्ज़ाम हैं. जैसे कि अभी 26 तारीख से लेकर 29 तक D SSS JEE का एग्ज़ाम है ना. तो ये तो है ही. साथ ही साथ जितने भी हमारे डिफेंस एस्पिरेंट हैं उनको मैं फिर से याद दिला दूं. CAPF आपका है, दिख रहा है, 7th of August को. इसी आदमी पे लिख देते हैं, ठीक है. तो 7th of August को CAPF है. बहुत जल्दी आपको यूट्यूब पे एसए की क्लासेस मिल जाएंगी. आई थिंक ये ऐसे की क्लासेस का नीड है. और 4th of September को आपका CDS है. तो इसके लिए 4 जुलाई से कंटिन्यूस जीके की क्लासेस भी आपको मिलेगी. अभी भी चल रहा है क्लासेस, जिवेश सर का क्लास है ना, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, आप उसको देखिए. और आपका 26 से लेकर 28, 26, 27, 28 को है आपका F-CAT का एग्ज़ाम. ये आपका अगस्त में है. तो गाइज प्लीज़ तैयारी आप बहुत अच्छे से शुरू कर लीजिए. CAPF सबसे पहले आएगा. जून ख़त्म है ऑलमोस्ट, जुलाई, और फिर अगस्त से आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, अगस्त सितंबर में, है ना, ठीक है. तो बिल्कुल पढ़ाई क्या कर रहे हैं. अच्छा ओमकार मैम, TOD का फिजिकल 170 से कम हाइट वाले नहीं दे सकते हैं. नहीं, उसमें है 170, ठीक है. चले तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है. बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे हम लोग. और प्रैक्टिस तो यहाँ पे करते हैं. अगर आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट पढ़ना है तो आप पेड बैचेस में आ सकते हैं. कंसेप्ट हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है. चले बढ़िया. हाँ, खेला होबे शुरू हो गया है. 21 जून, ये आपको पता है इंटरनेशनल योगा डे. 21 जून, थोड़ा सा जल्दी करेंगे आज, पढ़ने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं. हाइड्रोग्राफी डे, ये आप बताइए, पानी दिवस. तो ये भी आपका होता है 21 जून. उसके बाद इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिस्टिस, तो ये आपको पता है समर सॉलिटिस जो है वो 21 जून है. विंटर जो है वो 22 दिसंबर है. तो ये दोनों सॉलिटिस आपको पता ही है. चले नेक्स्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है म्यूजिक डे. तो ये भी आपका 21 जून को है, ओके. ह्यूमैनिस्ट डे, यानी कि मानवतावादी दिवस, ये भी आपका 21 जून को है. सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ पे हुआ है, ये क्या हुआ है ना. तो सबसे ज़्यादा रेनफॉल आपका मनेस्वरम में हुआ है. क्रिकेट में कौन से टीम ने रिकॉर्ड बनाया है 498 रन्स का. गाइस थोड़ा सा जल्दी करो, आज बहुत सारे क्वेश्चंस और पढ़ने के लिए भी बहुत सारा कुछ है, ठीक है. तो ये इंग्लैंड है. नेक्स्ट क्वेश्चन, मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है ब्रेन रिसर्च किस सिटी में. तो ये आपका बेंगलुरु है. नेक्स्ट है कोफ्सगुल नेशनल पार्क किस कंट्री में है, कोफ्सगुल नेशनल पार्क। ओके तो ये आपको पता है कि ये कहाँ है, मंगोलिया में है। उसके बाद आपको बताना है ये जो मेघालय में मेघालनस ग्लिस कोफ्रस मेघालनस निकला है वो क्या है, तो वो बैट है, ये भी आप जानते हैं ठीक है। कौन से कंट्री ने अभी अभी कहा है कि हम लोग एक सॉलिडेटरी यानी कि जितने भी शंघाई कोऑपरेशन के कंट्रीज हैं मेंबर्स हैं उनके साथ हम लोग एक सॉलिडेटरी ऑपरेशन करेंगे। ये कंट्री कहने वाला है चाइना ठीक है, चाइना ने ऐसा कहा है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है पेमेंट विजन 2025। देखो अभी पहले जल्दी जल्दी क्वेश्चन करिए, उसके बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे और फिर नए क्वेश्चन को करेंगे और फिर कुछ पुराने क्वेश्चन भी डिस्कस करने हैं ठीक है। तो गाइज क्या होगा इसका आंसर, पेमेंट विजन ये हो गया आपका आरबीआई द्वारा है पेमेंट विजन 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन एमएफआईएन रिपोर्ट, ये विच इज द लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ आउटस्टैंडिंग जितने भी लोन्स हैं, पहले बंगाल था अब आपका तमिलनाडु है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये क्या हो रहा है, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पे कौन बन गए, तो वासुदेवन पीएन बन गए हैं ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेटावर्स में पहला मल्टीप्लेक्स खोलने वाला कौन सा कंपनी हो गया है, तो ये एयरटेल हो गया है। अगला क्वेश्चन कि हम लोगों ने स्विस बैंक में कितने पैसे जमा करके रखे हैं, आप लोग में का भी है क्या किसी का अकाउंट स्विस बैंक में ठीक है। तो हम लोगों ने 30,500 करोड़ वहां पे जमा करके रखे हुए हैं, 14 साल में अभी तक का हाईएस्ट स्विस और स्विट्जरलैंड का स्विस फ्रैंक है वहां का करेंसी, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुस्तावो पेट्रो जो हैं, कम ऑन वीर योद्धाज जल्दी आंसर दीजिए ठीक है। मैम को एक घपला करेंगे तब तो, गुस्तावो पेट्रो कहाँ के बन गए हैं, कोलंबिया के ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट थिएटर फेस्टिवल ऑफ मेंटल हेल्थ, तो लोगों में जागरूकता करने के लिए पुणे में शुरू हुआ है ठीक है, महाराष्ट्र में। उसके बाद एमओयू साइन किया गया है ठीक है, इंडियाज फर्स्ट ड्राई स्काई रिजर्व विद स्टेट ने एमओयू साइन किया है, तो ये स्टेट या यूटी है लद्दाख। लद्दाख में यहाँ पे रिसर्च स्काई में रिसर्च किया जाएगा और आर के माथुर यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, इसको ध्यान रखेंगे ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योगा सूट कौन से इंस्टीट्यूशन ने बनाया है, कल आप लोगों ने बहुत सारे गलत आंसर दिए हैं तो आज इसको सही करने का मौका आपके पास है पूरा पूरी, तो आप जल्दी से आंसर बताइए कि योगा जो है सूट ये एम्स दिल्ली ने बनाया है ठीक है ओके। ये बार बार क्यों आ रहा है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से कंट्री में सबसे बड़ी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश मिली है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश किस कंट्री में मिला है, कल हमने क्लास ही मिस कर दी तब तो आज भी गलती होगा फिर। हाँ तो फिर कल दिखाए थे ना कौन सी बड़ी सी फिश थी, कंबोडिया में मिली थी, यस मेकोंग रिवर में कंबोडिया में मिली थी, जाइंट कैटफिश थी वो, इसके पहले थाईलैंड में मिली थी ठीक है। उसके बाद आप बताएंगे कि कतरांग्स ब्रांच के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनी कौन सी है भारत की, तो भारत की है TCS ठीक है, वर्ल्ड में इसका रैंक है 46 लेकिन ये भारत की सबसे ज्यादा मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है, वैल्यू आप देख सकते हैं 50 बिलियन। 19 मिलियन का कैप कौन से कंपनी ने अभी अभी पूरा किया है, बताइएगा जरा कमेंट सेक्शन में कौन से इंडियन कंपनी 19 मिलियन कैप में चली जा चुकी है ठीक है। तब तक आप बताएं कि इंडिया दिव्यांग क्रिकेट टीम जो है लाइफ बॉय कप जीत चुका है, किस कंट्री के अगेंस्ट खेलकर हमने लाइफ बॉय कप अभी अभी जीता है, बहुत सही नेपाल ठीक है। कैप्टन का नाम याद रखिएगा सैयद शाह अजीज, अगर आपको विराट कोहली और ये सब याद रहता है तो इनका नाम भी याद रखिएगा, सैयद शाह अजीज इनका नाम है ठीक है। व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल योगा डे, इस बार जो 21 जून को आप योगा दिवस मनाए हैं उसका थीम क्या है गाइस, इसको आप बताएंगे जल्दी से कमेंट सेक्शन में। 19M वाला रिलायंस है, अंबानी का फोटो भी दिखाए थे, क्या बात कर रहा हूँ ठीक है। हाँ तो योगा फॉर ह्यूमैनिटी इस बार का थीम है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि फीफा वर्ल्ड कप 2026, 2022 तो कतर में हो रहा है, 2026 कहाँ हो रहा है, तो ये आपका लॉस एंजलिस, टोरंटो, मेक्सिको तीनों जगह होने वाला है ठीक है। तो US, कनाडा और मेक्सिको तीनों कंट्री में टोरंटो जो है वो कनाडा में है, और लॉस एंजलिस आपको पता ही है सब हीरो हीरोइन रहता है वहाँ पे, हॉलीवुड वाला, और मेक्सिको तो मेक्सिको में है ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा जी गोल्ड मेडल जीत चुके हैं इन्होंने, ये जो गेम है इसका नाम है क्वाड्रंट, रोज पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, सही नहीं बोल पा रहे हैं, खैर। तो ये कहाँ पे हुआ है, ये हुआ है आपका फिनलैंड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की इंडियन विमेन हॉकी टीम हैज वन FIH विमेन हॉकी प्रो लीग टूर्नामेंट, तो अब आप बताइएगा कि ये जो टीम है ना, ये किसने जीता है आफ्टर डिफीटिंग, इंडिया ने जीता है, किसको हराकर जीता है, तो इंडिया ने अर्जेंटीना को हराकर यहाँ पे 4-3, यानी कि इंडिया ने 4 गोल मारे, अर्जेंटीना ने सिर्फ 3 गोल मारे, और ये सब हुआ आपका नीदरलैंड में, बहुत सुंदर देश है, बादल पे पाँव है, अब झूठा गाँव, अच्छा वो तो उसका गाना है, ठीक। तो अब आप बताएंगे कि अग्निवीर CAPF में और असम राइफल्स में, BSF, सशस्त्र सीमा बल, ITBP, CISF, ये सब में अग्निवीरों को कितना % का रिजर्वेशन है, 10% तक का रिजर्वेशन मिलने की बात की गई है। 920 करोड़ रुपया लगाकर प्रगति मैदान में मोदी जी ने ट्रांजिट कॉरिडोर, इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर शुरू किया है। तो प्रगति मैदान कहाँ पे, दिल्ली का जू भी यहीं पे, प्रगति मैदान के पास, ठीक है। तो ये आपका दिल्ली हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया एंड बांग्लादेश टू होल्ड फर्स्ट फिजिकल जॉइंट कंसल्टेटिव कमीशन मीट, तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में फिजिकल, यानी कि कोविड के बाद साथ में मिलकर ये लोग करने वाले हैं। तो ये मीटिंग कहाँ होगा, ये मीटिंग भी आपका न्यू दिल्ली में ही है, ठीक है। यूनिसेफ पे बात है कि कितने बच्चे हैं जो कि 2021 में कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण, बहुत सारे देश में बहुत ज़्यादा मतलब ऊपर नीचे हुआ है। आप बहुत लकी हैं, हम लोग बहुत लकी हैं कि हम लोग भारत जैसे देश में, जहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, हम लोग एटलीस्ट सिक्योर हैं। आप लोग को टेंशन है, किसी की गर्लफ्रेंड भाग गई, किसी को नौकरी नहीं लग रहा है, किसी का घर नहीं बन रहा है, लेकिन किसी को ये टेंशन नहीं है ना कि कहीं तुम देश में रहोगे नहीं रहोगे, कोई तुम पर अटैक कर देगा, तुमको घर छोड़ के जाना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो यू आर वेरी लकी। और देश में 36 मिलियन अनलकी बच्चे हैं जो कि डिस्प्लेस हुए हैं और बहुत जगह कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया में डायरेक्ट टैक्स, देखो जब भी GST बोलेंगे वो इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर, और जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है, प्रत्यक्ष कर शुद्ध प्रत्यक्ष कर। तो ये कितना का कलेक्ट किया हम लोग इसको 3,39,225 करोड़ रुपए तक खर्च, मतलब अभी कलेक्ट किए हैं, ओके। नेक्स्ट, विच इंडियन ओरिजिन आर्किटेक्ट हैज बीन नेम्ड कमिश्नर ऑफ, देखो बहुत धीरे धीरे आंसर दे रहा हूँ, मजा नहीं आ रहा है हमको, मजा नहीं आएगा तो फिर पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो आप बताइए कि विच इंडियन ओरिजिन आर्किटेक्ट हैज बीन नेम्ड कमिश्नर ऑफ इंग्लैंड हिस्ट्री प्रिजर्वेशन बोर्ड, तो ये बताइए कि बहुत बड़ा बात है। तो इनका नाम है नरिता चक्रवर्ती। नरिता चक्रवर्ती जो है ये भारतीय मूल की आर्किटेक्ट हैं और इनको इंडिया में कमिश्नर ऑफ हिस्टोरिक इंग्लैंड, यानी कि जितना भी वहाँ पे आप खनन और हिस्ट्री से रिलेटेड खोज होगा वो ये इसकी मेंबर रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर डाल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, 36 साल की ओल्ड पेसर यानी कि फास्ट बॉलर, एक होता है फास्ट बॉलर एक होता है स्पिनर, मुझे पर्सनली फास्ट बॉलर ज़्यादा पसंद है, जैसे कि शाहिद अफरीदी बोल दिया, शोएब अख्तर, ठीक है। रावलपिंडी एक्सप्रेस एक टाइम था जब हम लोग के ज़माने में क्रिकेट हम लोग देखते थे, तो ही वॉज माई फेवरेट। ब्रेटली है, तो ये कहाँ की हैं, कैथरीन ब्रुंथ इंग्लैंड की हैं, ओके। फिर सिंगल मेंस ऑफ इंडोनेशिया ओपन का मतलब है लॉन टेनिस, तो लॉन टेनिस में आप बताइए कि किसने जीत लिया है ये इंडोनेशिया ओपन, जल्दी से बता दो फटाक से, ठीक है। एक्सेलसन ने जीता है ना, अभी ये सब मत बोलेगा डोमिनिक थीम और ये सब, एक्सेलसन ने जीता है इंडोनेशिया ओपन, इसको ध्यान रखेंगे। और ताई जू यिंग ने जीता है विमेन में सिंगल्स, ठीक है। कौन से कंट्री में, अभी 14th ब्रिक्स समिट होने वाला है, तो आपको हम बताए थे कि BRICS कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये कहाँ पे होने वाला है, ये होने वाला है चाइना में 14th, यानी कि इसके पहले कहाँ पे हुआ था 13th इंडिया में, उसके पहले कहाँ पे हुआ होगा रशिया में, उसके पहले कहाँ पे हुआ होगा तो ब्राजील में हुआ होगा, राइट। तो इस तरह से हर साल ब्रिक्स के अकॉर्डिंग ये जो मीटिंग है आपकी चलते रहती है, क्लियर, बढ़िया। थीम क्या है कि हम लोग काम करेंगे पार्टनरशिप पे, और जो नया एरा है, एक तो हर दिन इन लोग का नया एरा होता है, बचपन में पढ़े थे तब भी ये नया एरा पे बात कर रहे थे, अब बुढ़ापे में पढ़ रहे तो भी नया एरा पे बात कर रहे, तो हम कौन से एरा में। खैर, तो 12th मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस हो रहा है WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। अगर आप लोग किसी अच्छे एग्जाम को तैयारी कर रहे हैं तो हम यही बोलेंगे कि एक बार WTO के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये आने का प्रोस्पेक्ट इसका बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है WTO, ये जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसकी मीटिंग हो रही है, सारे मिनिस्टीरियल्स आके मिलेंगे। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड में कौन सा एयरपोर्ट है जो कि बहुत अच्छा है, ठीक है, और ये एक्चुअली इंडिया का बेस्ट एयरपोर्ट है। तो रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया एंड साउथ एशिया एट स्काई ट्रैक्स, तो किसको बेस्ट एयरपोर्ट का जगह मिला है? ये है आपका केम्पेगौड़ा, बेंगलुरु का है, बेंगलुरु में ये एयरपोर्ट है कर्नाटका में। और यही कर्नाटका के बेंगलुरु में आपको पता है कि रेलवे टर्मिनल को पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड एसी में डाल दिया जाएगा, यानी कि अगर आप अभी ट्रेन से निकलेंगे तो वहाँ पे जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे भी एसी रहेगा, ठीक है। RBI ने सस्पेंड किया है लाइसेंस मिलाद कोऑपरेटिव बैंक का। आपको पता है मिलाद कोऑपरेटिव बैंक किस स्टेट में है, तो ये है कर्नाटका में, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट किसको बनाया गया है? दिल्ली हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, इसके ऊपर क्या हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। अगर मैंडेमस देना है तो कोर्ट किसको देता है? कोई भी पब्लिक या प्राइवेट बॉडी को। लेकिन अगर सर्चरी या प्रोहिबिशन दिया जाता है तो वो हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को देता है। ये सब आर्टिकल नंबर 32 में आता है। हम क्या बोल रहे हैं? हेबियस कॉर्पस, सर्चरी, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो एंड मैंडमस, राइट। तो ये 5 तरह के रिट हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट देता है, और 226 आर्टिकल में आपके हाई कोर्ट भी रिट्स जारी करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको पता है सतीश चंद्र शर्मा जी दिल्ली हाई कोर्ट के बने हैं, उत्तराखंड के विपिन सांगी बने हैं, हिमाचल के अमजद ए सैयद बने हैं, राजस्थान के एस एस शिंदे बने हैं, गुवाहाटी रश्मि एम छाया, तेलंगाना उज्जवल भुयान बने हैं, ठीक है। ये सब याद कर ध्यान रख के। अभी आपको पता है कि महाराष्ट्र में पॉलिटिकल क्राइसिस हो रहा है, तो इसको और थोड़ा सा पकड़ने दो इस न्यूज़ को, फिर हम लोग देखेंगे कि उससे क्या स्टैटिक पोर्शन के करंट अफेयर्स आ सकते हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स या जीके क्या आ सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुथ उज़िकी ने किताब लिखा है और इन्होंने जीत लिया है विमेन प्राइज। तो ये किताब का नाम क्या है? द बुक ऑफ फॉर्म्स एंड एम्प्टीनेस। आप लोग के आंसर देने का जो तादाद है वो कम होते जा रहा है, क्या बात है, देखिए ज़रा। ओके, यस, हार्ट एंड सोल, अनुराग पांडे, बहुत बढ़िया, अच्छा बता रहे हो तुम, ठीक है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि फॉर्मूला 1 कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड किसने जीता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैक्स वेरस्टैपेन। और ये आप देख सकते हैं कि मैक्स वेरस्टैपेन ने कितने सारे, कुछ सीखो, एक तुम लोग एक एग्जाम के पीछे भागते हो, ये सोचो रोज ही एग्जाम क्लियर कर रहे अपना और फर्स्ट आ रहे हैं। तो मैक्स वेरस्टैपेन ने ये सब कुछ जीत लिया है। स्पेनिश, मियामी, सऊदी अरेबिया, अजरबैजान, एमिलिया, इंडिया वाला क्यों छोड़ दिया, इंडिया भी जीत लेता, ठीक। सोचो ऐसा होता कि अगर जो स्पोर्ट्स में जीत रहा है वो वहाँ का राजा बन जाए, हाँ। खैर, तो 1 किलोमीटर, देखिए अभी 1 किलोमीटर साइकिल चलाना है, ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है कि 1 किलोमीटर साइकिलिंग चला के जो सबसे जल्दी इसको पूरा करता है। तो इंटरनेशनल में हम लोगों ने ऐसे चैंपियनशिप में कभी जीता ही नहीं है, लेकिन रोनाल्डो सिंह, एक तो उनका नाम ही तगड़ा है तो फिर क्या ही बात है ना। तो रोनाल्डो सिंह ने क्या किया है कि ब्रॉन्ज मेडल इंडिया को दिलाया, और ये पहला इंटरनेशनल मेडल है हमारे लिए, ठीक। नेक्स्ट, अनकही कहानी, भारतीय संविधान की अनकही कहानी, ये किताब लिखा गया है किसके द्वारा? तो राम बहादुर राय जी द्वारा किताब लिखा गया है। देखते ही अब नहीं आंसर पटापट आ रहा है तो फिर ज्यादा मजाक हो रहा है। और कल सैटरडे है, सैटरडे कर दी रहती है कुड़ी, सैटरडे नहीं, वो वाला सैटरडे नहीं, हम लोग कल क्या करेंगे कि हम लोग देखो एक और अराजकता तत्व आ जाते हैं बीच में, ठीक है, हम लोग कल बहुत पूरा रिवीजन करेंगे, ठीक है, कल बहुत सारा रिवीजन होगा। जनवरी से रिवीजन करना शुरू करेंगे, तो आप लोग जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जितने भी नए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स उसको हम लोग रिवाइज करेंगे, पढ़ के आइएगा, ठीक है। द मैन हु चेंज्ड इंडिया, तो ये द मैन हु चेंज्ड इंडिया गौतम अडानी जी पे किताब लिखा गया है आर्यन भास्कर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्टन पियटर सिलर, इन्होंने अनाउंस कर दिया रिटायरमेंट कि भैया अब हम नहीं खेलेंगे, अब हम ना खेलूँ, ठीक। तो ये है नीदरलैंड, नीदरलैंड के ये हैं, और इनकी जगह आप स्कॉट एडवर्ड जो कि विकेट कीपर और बैट्समैन हैं, ये अब बन जाएंगे कैप्टन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि माइग्रेशन सर्वे टू एक्सपैंड द डेटा बेस, तो जो लोग अब यहाँ से गए हैं उनके लिए ये माइग्रेशन सर्वे किया जा रहा है स्टेट द्वारा। और ये स्टेट कौन सा है? ये स्टेट है आपका प्यारा केरला, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं। 2011 का सेंसस देखो, अभी का सेंसस देखो, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग यही मिलेंगे। ठीक है, तो पिन्नराई विजयन जो हैं वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और यहाँ पे आपका सर्वे हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन, अभी 36 क्वेश्चन है, 33 पे हैं हम लोग। ठीक है, अभी न्यूज़ में देखते हैं आप लोग ऑपरेशन संकल्प, तो ये इंडियन नेवी का है और ये INS तलवार है इसमें, ऑपरेशन संकल्प। ठीक है, नेवी INS तलवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी आपको बताना है कि स्नूकर में, ऐसे तो आप लोगों को सिर्फ पंकज अडवाणी का नाम पता है, लेकिन एक और नाम आप देख लीजिए स्नूकर में। तो स्नूकर में सौरभ कोठारी जी ने लैंसे पेनल पैसिफिक इंटरनेशनल स्नूकर, जो कि मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, ये अवार्ड जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकल सेल डे, तो सिकल सेल डे आपका होता है कब? 19 जून को। इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस के लिए ये 19 जून को होता है सिकल सेल डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर्स डे। ठीक है, तो फादर्स डे हम लोग 3rd संडे ऑफ जून को मनाते हैं। ओके, सो लेट्स डू विद द करंट अफेयर्स। और ध्यान से सुनना, कोई गायब मत होना। लिसन टू दिस वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, अभी इससे रिलेटेड हम लोग फटाक से क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो ये प्रणाम कर रहे हैं, किसको प्रणाम कर रहे हैं देखते हैं हम लोग क्या है न्यूज़। तो ये है रंजीत बजाज जी, जो कि चेयरमैन बन गए हैं एडवाइजरी कमेटी ओवरसीइंग AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में। इंटरप्रेन्योर रंजीत बजाज जी को चेयरमैन बनाया गया है एडवाइजरी कमेटी, ताकि ये सुप्रीम कोर्ट को असिस्ट करेंगे कि ये जो अपॉइंटमेंट होता है कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, तो यहाँ पे ये इनको हेल्प करेंगे। ये कौन है? रंजीत बजाज जी, इसको याद रखिएगा। ठीक, ओके। इसके पहले ये जो है ये मालिक थे किसके? तो मिनरवा पंजाब, ये क्लब है। आप लोग तो सिर्फ IPL सुनते हैं, लेकिन देखिए फुटबॉल में भी क्लब है। ठीक, नेक्स्ट इनका भी चेहरा देखिए, गौर से देखिए इस चेहरे को। तो ये है डॉक्टर DJ पंडियन। ठीक है, DJ पंडियन। और इनको NDB इंडियाज रीजनल ऑफिस इन गिफ्ट सिटी में डाला गया है। तो आपको पता है गिफ्ट सिटी जो कि गांधीनगर गुजरात में है, गुजरात इंटरनेशनल फिनटेक, मतलब फिनटेक यानी कि फाइनेंस टेक सिटी बन गया है ये गिफ्ट सिटी। अब शंघाई में एनडीबी क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ब्रिक्स जो आप पढ़ते हैं, तो ब्रिक्स का बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, यानी कि अगर आप ब्रिक्स के मेंबर हैं तो आपको आराम से न्यू डेवलपमेंट बैंक से सॉफ्ट लोन मिल जाएगा। सॉफ्ट लोन का क्या मतलब होता है कि कम दर पे लोन मिलेगा, प्लस उसको बहुत जल्दी चुकाने का टेंशन भी नहीं रहेगा। तो ऐसे तो NDB यानी कि नेशनल जो आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक है, उसका हेडक्वार्टर शंघाई में है, लेकिन अब ये ऑफिस खोलने वाला है भारत में सबसे पहले गिफ्ट सिटी में। और जो गिफ्ट सिटी में ये ऑफिस खोलने वाला है, तो वहाँ पे पंडियन जी जो हैं इनको बोला गया है कि आप ही रहेंगे इसके लीड, और आप ही देखिए, सब आप ही ध्यान दीजिएगा। वाइस प्रेसिडेंट और ये रह चुके हैं पहले भी बीजिंग बेस्ड, ये AIIB बैंक के रह चुके हैं, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, और अब ये सीधे NDB के बन जाएंगे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये नेक्स्ट जो न्यूज है ये कौन है? ये इंडियन है ना, जर्सी पहनी है। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है रुमेली धर, और इन्होंने सारे जितने भी क्रिकेट होता है उससे इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। 38 साल का इनका एज है। इस साल मिथाली राज जी ने भी रिटायरमेंट ली है। तो हाँ, ठीक है, बोल रहा अड्डा का मैच, अच्छा ठीक है। तो इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, और इसको ध्यान रखिएगा आप, रुमेली धर इनका नाम है। ओके, नेक्स्ट देखिए, सबको डांस करे, कितने खुश हैं सुबह सुबह। आप लोग ही ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अच्छा, 36 में 34 सही है। सत्यम, तुम नाम रोशन कर दिया मेरा। ये तो सही बोला, क्या बोल रहे हो तुम लोग आपस में? जो हम लोग व्हाट्सएप चल रहा है क्या यहाँ पे? चलिए जल्दी से आंसर दें। ये क्या लग रहा है आपको? कुछ भी ऑब्जर्व करो यार। ये देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट भी लिखा हो सकता है, क्या है ये? पीछे पहाड़ है, क्या पता हिमालयज है। तो देखें, 36 सिंधु दर्शन यात्रा ये लेह लद्दाख में शुरू हुआ है। अच्छा इसका न्यूज ये है। तो ये सिंधु दर्शन यात्रा है जो कि लेह लद्दाख में शुरू हुआ है। अब इनका नाम आपको पता है, इतना बार तो हम आपको रोज फोटो दिखाते रहते हैं मंत्री मंत्री का, तो इनका नाम पता है? इनका नाम तो छोड़िए, लड़के ऐसे क्यों देख रही है, फूल फ्लावर, ठीक, तो इनका नाम आपको पता ही होगा, इतने बार हम लोग पढ़ चुके हैं। कौन है ये? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं और यूनियन मिनिस्टर फॉर जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो इन्होंने अभी अभी जम्मू कश्मीर में सिस्मोलॉजी ऑब्जर्वेटरी उधमपुर में ओपन किया। अब ये सिस्मोलॉजी क्या होता है? सिस्मोलॉजी का मतलब होता है कि जो अर्थक्वेक आएगा ना, तो अर्थक्वेक आता है तो उसको सिस्मोग्राफ से हम लोग देखते हैं कि ज्यादा आया है कि कम आया, तीव्रता ज्यादा है या तीव्रता कम है, ठीक है। तो अर्थक्वेक को ये चेक करेगा। अर्थक्वेक में आपके पी टाइप वेव होते हैं, प्राइमरी वेव, एस टाइप वेव, सेकेंडरी वेव, उसके बाद रेली वेव होते हैं और लव वेव्स होते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा, पी एस आर एन एल, ये दोनों आपके सरफेस वेव होते हैं और ये दोनों आप मतलब ये दोनों आपके सरफेस वेव होते हैं और ये दोनों आपके बॉडी वेव होते हैं। बॉडी वेव यानी कि पूरे ही अर्थ में ये ऐसे ऐसे फ्लो करने लगेंगे और ये होते हैं बस सरफेस वेव। ये एक्चुअली ज़्यादा खतरनाक हो जाएंगे क्योंकि सरफेस पे ही ना आदमी रहेगा, तो यहाँ पे ये फ्लो करते हैं, ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट, कर्नाटका बैंक। कर्नाटका बैंक ने लॉन्च किया है VCIP। मैम आपका सारे करंट अफेयर्स कर ले तो भर से करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं छूटेगा, नहीं आएगा, नहीं बाहर से कोई नहीं आएगा, ठीक है। देखो हम सारा ही कर देते हैं, जो छोटा मोटा रहता है उसको भी हम लोग कवर कर देते हैं, ये कोशिश रहता है। तो कर्नाटका बैंक ने ऑनलाइन सेविंग बैंक लॉन्च किया है और ये फैसिलिटी दे रहे हैं कि वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन, यानी तुम्हारा अब घर में बैठ के वीडियो लेके ये लोग अपना आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे। KYC आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, नो योर कस्टमर, तो ताकि आप लोग फ्रॉड करके भाग ना जाए। तो VCIP जो है ये आपका कर्नाटका बैंक ने शुरू किया है। फिर है साउथ इंडियन बैंक। साउथ इंडियन बैंक एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग कह रहा है ये, ठीक है। तो साउथ इंडियन बैंक ने SIBTF ऑनलाइन एग्जिम ट्रेड पोर्टल शुरू किया है, बहुत बड़ा चीज है, ठीक है। तो SIB का मतलब होता है साउथ इंडिया बैंक, है ना, ओके। और ये आपका क्या कर रहे हैं कि एग्जिम यानी कि एक्सपोर्ट फॉर इट्स कॉर्पोरेट एग्जिम कस्टमर्स, तो बाहर के लिए इन्होंने एक पोर्टल शुरू किया है, बस इतना ध्यान रखिए, कभी नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अपॉइंटमेंट्स पूछा जाता है और नाम आप लोग देख के कंफ्यूज करते हैं क्योंकि एक ही बार में बहुत सारे अपॉइंटमेंट आ जाता है। P उदय कुमार, ये बिगिंस ऑफिस एज NSIC's चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। तो P उदय कुमार डायरेक्टर हैं और ये आप देख सकते हैं कि ये NSIC में अब ये रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। CMD का मतलब होता है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रहेंगे, ओके। अभी बस इतना देखो, अभी क्वेश्चन आंसर में और क्लियर होता जाएगा कि क्या बात है। ये किस चीज का खेत लग रहा है आपको? खेत से पता होगा कि 3 क्रॉप सीजन होता है, खरीफ होता है, राबी होता है और जायद होता है। अभी बोल तो हिंदी ही में रहे हैं, क्या बात करो। तो उत्तराखंड ने शुरू किया है कि रेन फेड एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट टू बूस्ट रेन फेड एग्रीकल्चर अप्रूव्ड बाय वर्ल्ड बैंक। तो उत्तराखंड ने अभी वर्ल्ड बैंक से 1000 करोड़ रुपए की डिमांड की है और ये क्या करेंगे कि जो रेन फेड एग्रीकल्चर है, ज्यादातर आपको पता है कि रेन पे ही डिपेंड करता है हमारा भारत का एग्रीकल्चर। याद रखिएगा, जैसे बारिश का सीजन शुरू होता है तो हम लोग खरीफ क्रॉप को उगाते हैं, उसके बाद इसको उगाने का टाइम कौन सा हो जाएगा, यही जो जून का महीना है, ऑनसेट ऑफ मानसून, जैसे मानसून शुरू होता है तो हम लोग खरीफ क्रॉप के बीजेस को उगा देते हैं और अक्टूबर नवंबर के टाइम में इसको हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है, इसको काटते हैं। अब एक सवाल पूछा जाता है कि दिल्ली में बार बार आप लोग सुनते होंगे कि पराली जलाने के कारण दिल्ली के ठंड के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रदूषण आ गया है, तो वो पराली किस क्रॉप का होता है? वो पराली जो है वो यही खरीफ क्रॉप का होता है, ठीक है। तो खरीफ क्रॉप का क्या होता है कि जून के सीजन में आप इसको बोते हैं और अक्टूबर नवंबर के सीजन में आप इसका कटाई कर देते हैं। तो जब आप कटाई करते हैं तो जो आपका मेन चीज़ है वो तो आप खा पी लिए, लेकिन जो नीचे का भूसा जिसको रहता है, जो दिमाग में भी आपके नहीं सॉरी, तो वो उसको आप क्या करते हैं, जला देते हैं। तो जब आप जलाते हैं तो ये हरियाणा है, पंजाब का क्षेत्र है, ये वेस्ट यूपी का क्षेत्र है जिसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन से सबसे ज्यादा फायदा हुआ। बीच में बेचारी फंसी दिल्ली, उसमें फंसे हम, ठीक है। तो हमको क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा पोल्यूशन का सामना करना पड़ेगा। सुबह उठेंगे आप लोग क्लास लेने तो आंख जल जाएगा, इसलिए दिल्ली से शिफ्ट होके हम लोग एनसीआर में रहते हैं, ठीक। तो अब आप देखिए उसके बाद क्या होगा कि राबी क्रॉप आएगा। राबी क्रॉप क्या होता है, ठंड के मौसम में आता है, यानी कि अक्टूबर नवंबर में आप इसको बोते हैं और फिर अप्रैल के महीना में जब आप वैसाखी मनाते हैं बिहार में 13 अप्रैल को, 13-14 अप्रैल को हम लोग सतवानी मनाते हैं। तो ये क्यों खुशी का त्यौहार है, ठीक है, ये खुशी का है कि अच्छी फसल हुई है। आपकी कौन सी फसल हुई है, राबी की फसल हुई है। और यही जो बीच का समय है उसमें आप जायद उगाते हैं। जायद को आप अप्रैल में बोते हैं और जून में काटते हैं। जायद हुआ पानी फल सिंघाड़ा, खीरा, जिसमें बहुत सारा पानी हो, गर्मी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े, वो आप क्या कहलाता है, उसको ZAID जायद कहलाता है। बहुत लोग इसको नहीं सुनते हैं। खरीफ का सबसे मेजर क्रॉप जो है उसका नाम क्या है, उसका नाम है राइस, ठीक है। राइस हो गया, मेज हो गया, ऐसे तो जितने दाल हैं वो राबी में आते हैं, लेकिन तूर की दाल जो होती है, तो तूर की दाल आपकी खरीफ में आती है। बाकी राबी में आपको पता ही है व्हीट मेन चीज़ है। अच्छा, मूंगफली यानी कि ग्राउंड नट वो किस में आया और कॉटन किस में आया, ये आपके एग्जाम में बहुत बड़ा आया है कि कॉटन किस में आता है। तो कॉटन खरीफ में आता है और ग्राउंड नट जो कि गुजरात में मिलता है ये भी खरीफ में आता है, ठीक है। तो मोटा मोटी जो भी आपका एग्रीकल्चर का चीज़ है वो हमने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है, होपफुली आपके दिमाग में घुस गया होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कल्चर मंत्री हैं जी किशन रेड्डी जी, इन्होंने ज्योतिरंगमा फेस्टिवल को शुरू किया है न्यू दिल्ली में। बस इतना ध्यान रखिएगा, ज़्यादा नहीं है। तो ये बेसिकली वर्ल्ड म्यूजिक डे के बारे में है। वर्ल्ड म्यूजिक डे में ये लोग अपना आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी कि 75 साल जो हम लोग मना रहे हैं, तो संगीत नाटक अकेडमी ने इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया था और यहाँ पे ये बातें हुई, ठीक है। ये किस चीज़ की कंपनी है, कोई आइडिया आपके? यहाँ जाए जले कि नहीं, अपने चश्मा लगा रखा है, अच्छा मेरा चश्मा नहीं, हाँ ठीक। 1 जुलाई से आपका प्लास्टिक बैन हो जाएगा। क्लास का टाइमिंग अभी पूछ रहा है, ज़्यादा मजाक नहीं हो गया। 8 बजे से 9 बजे तक क्लास की टाइमिंग हो गई, ठीक है, सुबह में 8 से 9। और अभी 9 से 10 तक जो भी आपके JEE और AE और AI और DDA वाली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं वो आ जाइएगा। हिस्ट्री का कल फर्स्ट क्लास था, सेकंड क्लास है। और 11 से 12, ठीक है, CAPF की क्लास है, यहाँ पे हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं। तो ये आपकी पेड बैचेस की क्लासेस हैं, ज्वाइन कर सकते हैं आप जल्दी से जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, नेक्स्ट चीज़ देखें, फेरो पार्टनर, ये इक्विटास बैंक के साथ पार्टनरशिप किया है। तो देखिए जितना भी बैंक है ना वो कोई ना कोई डिजिटल कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर रहा है कि भाई हमको भी अपग्रेड कर दो, हम कितना दिन पुराना जिंदगी जिएंगे, ठीक। चले नेक्स्ट, ये वॉशिंग मशीन है क्या, वॉशिंग पाउडर निर्मा, ठीक। IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अनवील किया है सूर्य नूतन, अच्छा वो सोलर कुक था, ठीक है, तो इंडोर सोलर कुक टॉप। तो बेसिकली उसमें रखिएगा, फिर से फोटो देख लेते हैं, अच्छा लग रहा था, इसमें रख के खाना बन जाएगा। ये सोलर कुक है, ये आपके सूर्य के किरण से चलेगा, वॉशिंग पाउडर निर्माण नहीं, समझ में आ गया। और फरीदाबाद में हम लोग इसका रिसर्च सेंटर रखे हैं, फरीदाबाद आपके यहीं पे पास में, ठीक। नेक्स्ट है, ये जा रहा है रॉकेट, ठीक, कहाँ जा रहा है ये देखते हैं, किसका रॉकेट है, तो बेसिकली हमारा ही है, ठीक है। इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट एरियन ई स्पेस विल लॉन्च एन इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट और 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो कि मलेशिया से और इंडिया से यहाँ पर इसको डाला गया है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रहेगा ये, यूरोपियन एजेंसी एरन स्पेस में रहेगा। Ariane 5 रॉकेट इसको लॉन्च किया गया है, ठीक। 10,000 किलोग्राम का ये पूरा लोड ले रहा है, ध्यान रहेगा, ओके। अभी देखते हैं इसका क्या क्वेश्चन आएगा। मोदी जी हैं यहाँ पे, मोदी जी ने फिर से आज दिन अच्छा जाएगा, मोदी जी को देख लिए। मोदी जी रोज न्यूज में रहते हैं, है ना। इन्होंने अब इनॉग्रेट कर दिया है वाणिज्य भवन एंड द निर्यात साइट। निर्यात का मतलब होता है नेशनल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड। तो अब इसका भी मोदी जी डाल दिए हैं एब्रिविएशन, ठीक है। तो यहाँ पे निर्यात पोर्टल है कि हमने जो भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया है साल भर में उसका रिकॉर्ड रखेगा, तो ये ऑब्वियसली किसके अंदर आ जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आ जाएगा। वाणिज्य भवन, वाणिज्य का मतलब होता है कॉमर्स, ठीक है, तो वाणिज्य भवन में इसको अभी डाला गया, इनॉग्रेट किया गया। ओके नेक्स्ट, फिर से रॉकेट लॉन्च हो रहा है। तो GSAT-24 इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट, इसको सक्सेसफुली अभी इसरो ने लॉन्च कर दिया है। डायरेक्ट टू होम सर्विस ये प्रोवाइड टाटा प्ले द्वारा किया जाएगा। तो अब देखिए ये क्योंकि प्राइवेट चीज है ना, तो इसलिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसको लॉन्च करेगा। तो जितना भी अब इसरो, हर किसी का थोड़े ही लेगा यार लोड, तो इसलिए प्राइवेट के लिए ये लोग बना दिए। इसरो का नया विंग आ गया है NSIL। तो अगर आपको मन करेगा कि आपने घर के लिए कोई रॉकेट आपको ऐसे लॉन्च करवाना है या आपने किसी संस्थान के लिए, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट करिए, इसरो से कॉन्टैक्ट मत कीजिए। ठीक, क्लियर है, अंडरस्टूड। और ये सब जो हो रहा है ये आपका फ्रेंच गुयाना से हो रहा है, ये पिछले वाला भी फ्रेंच गुयाना से ही हुआ है। ठीक है, अब ये देख लीजिए, व्यक्ति नहीं महिला है। ठीक है, लीसा स्थलेकर ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बन गई है FICA का। तो FICA क्या है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन, और ये फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन, इंडियन लग रही है लेकिन है ऑस्ट्रेलियन। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है लीसा स्थलेकर, और ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बन गई है FICA की, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। और भी लोग हैं इसमें, जैसे कि बैरी रिचर्ड आप देख सकते हैं, जिमी एडम्स देख सकते हैं, विक्रम सोलंकी, ये लोग भी इसमें मेंबर हैं। और ये प्रेसिडेंट। ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2022, तो आप जानते हैं कि कॉर्सेरा ने अभी ग्लोबल स्किल रिपोर्ट किया है और भारत को रैंक दिया बहुत बेकार, 68th रैंक। एशिया में भी हम लोग का 19वां रैंक है, मतलब इतना टैलेंटेड लोग हैं आप लोग, 150 है ना, अभी 200 लोग तो मेरे सामने टैलेंटेड है, ऊपर से एक हम, उसके बाद हम लोग का इतना पुराना रैंक। खैर देखिए, इंटरनेशनल वीडोज डे, तो ये 23 जून को मनाया जाता है। अब इसके लिए भी अवेयरनेस है, आपको पता है कि भारत जिसमें हम लोग रहते हैं, भारत है ना, तो पुराने बहुत सारे चीज़ें थी जिसको आप, अच्छा हुआ ख़त्म हो गई, सोशल बैरियर्स थे वो, खासकर वीडो। वीडो का मतलब आपको पता है ना कि जिनके हस्बैंड का डेथ हो जाता है, तो उनको हम लोग वीडो कहते हैं। और हम लोग में सती प्रथा था, राजा राम मोहन रॉय जी ने सती प्रथा को ख़त्म करने की कोशिश की। विलियम बेंटिक के साथ 1829 में एक्ट पास हुआ, सती प्रथा को ख़त्म किया गया। उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे हाउसेज और महाराष्ट्र में काफ़ी लोगों ने काम किया है ना, और फिर ये चीज़ से हम लोग बाहर निकले हैं। अब हम लोग सबको ही इक्वल मौका देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट है वो भी वीडो ही है, द्रौपदी मुर्मू। तो अब पूरा भारत में तो उनको पूरा सम्मान मिलता है, और हर जगह मतलब सम्मान मिलता है, ये कोई अलग सेक्शन थोड़ी है। तो खैर, तो इनकी सपोर्ट और अवेयरनेस अबाउट देयर सिचुएशन, अगर कोई ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉवर्टी और इनजस्टिस हुआ है उनके साथ, तो हम लोग को उनके लिए एक्शन लेना चाहिए। 23 जून को अवेयरनेस डे है। ठीक है, यूनाइटेड पब्लिक सर्विस डे, पब्लिक सर्विस डे, सरकारी नौकरी का बात हो रहा है, तुम लोग अपना दिल थाम के रखना। ठीक, यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे ये आपका 23 जून को सेलिब्रेट होता है। तो जब आप लोग भी चले जाइएगा पब्लिक सर्विस में, तो आप भी ये दिन को मनाइएगा। यूनाइटेड नेशन 23 जून को आपके लिए मनाता है। ओके नेक्स्ट, इंटरनेशनल ओलंपिक डे। ठीक है, बहुत सारा दिवस हो गया। इंटरनेशनल ओलंपिक डे भी 23 जून को मनाया जाता है, और इस बार का जो थीम है, टुगेदर फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये हिमालय, अब हिमालय दिवस भी है क्या, नहीं, तो हिमालय का क्या है कि फर्स्ट इंडियन माउंटेनियर टू असेंड माउंट अन्नपूर्णा पीक, तो वो एक्चुअली हिमालय नहीं अन्नपूर्णा था, और ये यहाँ पर फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने चढ़ाई कर दी है माउंट अन्नपूर्णा पे। इनका नाम क्या है, खतरनाक, स्कलजैंग रिग्जिन, स्कलजैंग रिग्जिन इनका नाम है, इसको याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, यस, तो इन्होंने भी 2-2 पहाड़ चढ़ लिए हैं, एक तो माउंट अन्नपूर्णा 28 अप्रैल को, और लोहते से ये आपका 14 मई को, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट, मोदी जी और जो बिडेन बैठे हैं, जोक क्या है ये हमको जानना है, जिसपे दोनों हंस रहे हैं। ठीक, अच्छा यहाँ पे फोटो भी है, तो जो बिडेन के घर में बहुत सारा पेंटिंग भी है। ओके नेक्स्ट, व्हाइट हाउस, गाइज थोड़ा सा लाइक कर दो यार, क्या कर लो, हाँ बायो वाले अग्निवीर क्यों नहीं भर सकते, भर दो, आर्मी वाला भर दो। ठीक है, हाँ हाँ भर सकते हो। व्हाइट हाउस द यूएस प्रायोरिटाइज इट्स बायलैटरल रिलेशन विथ इंडिया। तो हम लोग का बहुत अच्छा रिलेशन चल रहा है, ठीक है, बायलैटरल, हाँ ओके। तो ये आप देख सकते हैं, आप क्या लिखा गया है कि यूएस ने प्रायोरिटाइज किया है कि वो हमारे साथ बायलैटरल मीट करेंगे रिलेशंस विथ न्यू दिल्ली एंड व्यूज इंडिया इज वेरी क्रूशियल। हम लोग इतने खुश क्यों हो जाते हैं अगर हम लोग को अमेरिका से बहुत ज़्यादा ऐसे बोला जाता है कि वेरी क्रूशियल हैं, बहुत बायलैटरल हम लोग के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। खैर, तो ये जो है स्ट्रैटेजिक जो है इंडो पैसिफिक रीजन में देखा गया है। और अकॉर्डिंग टू द व्हाइट हाउस ऑल्सो नोटेड दैट हर कंट्री को अब अपना चॉइसेस बनाना पड़ेगा कि रशिया या फिर यूएस। ठीक, चलें, बढ़िया। वैसे आपको तो पता ही होगा कि यूएस के जो एलाइज हैं उनको हम लोग नाटो के नाम से जानते हैं, और जो रशिया का एलाई था वो वॉर्शो था, वॉर्शो पैक्ट एक साइन हुआ था। वॉर्शो एक्चुअली पोलैंड का कैपिटल है, लेकिन क्या विडंबना की बात है कि अब पोलैंड ही नाटो में चला गया है। तो रशिया के साथ भी हुआ है सोनम बेवफा वाला बात। देखिए, सब कोई जा रहे हैं, ठीक है, देश छोड़ के, हमारा देश छोड़ के नहीं जा रहे हैं, श्रीलंका को छोड़ के जा रहे हैं। तो श्रीलंका ने कहा है कि अगर आप बाहर काम करते हैं, माइग्रेंट डोमेस्टिक वर्कर हैं, यानी कि दूसरे के घर में, दूसरे के देश में जाके बाहर काम कर रहे हैं आप, तो उसका एज को ये कम कर दें, क्योंकि आपको पता है यहाँ क्राइसिस चल रहा है। तो ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो बाहर जाके काम करें। हाँ, अच्छा, तो पाकिस्तान को नहीं मिला, हम लोग को मिला। तो अभी भी तुम लोग उससे ही कंपेयर करोगे जो तुम बचपन में तुम 90% लाते थे, लेकिन वो 50% लाता था, तो तुमको पता था कि तुम उसे 40% ज़्यादा लाए हो, फिर भी अभी तुमको उसी से कंपेयर करना है। खैर, तो देखिए यहाँ पे मिनिमम एज लिमिट जो है 21 साल हो गया है। पहले ये ज़्यादा था, 25 साल था, कि अगर आप श्रीलंकन हैं और आपको सऊदी अरेबिया या मिडिल ईस्ट में जाके काम करना है, तो कम से कम आपको सऊदी अरेबिया के लिए 25 साल और मिडिल ईस्ट के लिए 23 साल होना अनिवार्य है। लेकिन अब अगर आप जाते हैं तो आप 21 साल में भी मिडिल ईस्ट में जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन सऊदी अरेबिया का अभी भी उतना ही है। पता नहीं, सऊदी अरेबिया में कुछ प्रॉब्लम होगा शायद। चले नेक्स्ट, अब यहाँ पे आप देखें फिर किताब। तो बेसिकली हरियाणा के सीएम ने रिलीज किया है अष्टांग योग। अष्टांग योग हमको भी आता है कुछ कुछ, प्राणायाम और ये सब, ठीक है, आसन। तो मनोहर लाल खट्टर जी ने, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है, अष्टांग योगा, ये डॉक्टर सोनू फोगाट जी ने ये किताब लिखा है और इसको अभी अभी इन्होंने इनॉग्रेट किया है। याद रखेंगे, कोटक जनरल इंश्योरेंस और फोन पे, ये दोनों मिल गया है साथ में। हम पहले भी बता रहे हैं आप लोगों की क्या बात है कि जितना भी बैंक है वो चाहता है कि वो लोग डिजिटल हो जाए, ठीक। तो इन्होंने पार्टनरशिप कर लिया फोन पे के साथ। वही बात फिर से डिजिटल पेमेंट के लिए कि हम लोग भी डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म हमको मिल जाए, हम लोग भी कैश छोड़ दें और चलें। तो शुरू करो कहानी। अब देखो, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि आपने नहीं पढ़े होंगे अभी, लेकिन यही क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आप पढ़ लेंगे। इतना तो गारंटी है कि एक घंटे में इतना ज़्यादा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, इसलिए ध्यान से सुना कीजिए। एक बार में नहीं समझ में आया, दूसरी बार सुनिए, नहीं समझ में आ रहा है रट जाइए, ठीक है। रेन फॉरेस्ट डे, रेन फॉरेस्ट का माने क्या हुआ कि ये जो धरती है, ये दुनिया पित्तल दी, बेबी डॉलम सोने दी। यहाँ पे आपका इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है, यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश के कारण हमेशा बारिश मिले और फॉरेस्ट एकदम हरा भरा रहे। यही हो गया आपका रेन फॉरेस्ट, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट है। तो आपको पता है कि धरती के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा यहीं से मिलता है, जितना भी हार्मफुल गैसेज है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। प्लांट भी कितना अच्छा चीज़ है, देखो हम लोग के लिए जो जहरीला चीज़ है उसको वो अपने अंदर समा लेता है ना। और यहाँ पे द टाइम इज नाउ इस बार का थीम है, और 22 जून को ये रेन फॉरेस्ट दिवस मनाया जाता है। 2017 से इसको मना रहे हैं हम लोग। ओलंपिक डे तो अभी पढ़े हैं, तो इसका आंसर तो आपको पता ही होगा कि ओलंपिक डे कब होता है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। 22 जून, 23 जून, 24 जून, 25 जून कब होता है ओलंपिक डे? तो ये आप पता है आपको कि 23 जून को है। टुगेदर फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड इस बार का थीम है, डाउट मत रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी पढ़े आप लोग पब्लिक सर्विस डे। तो हम आपको बोले थे सरकारी नौकरी वाला बात, जिसको आप लोग जज्बाती होके ले लिए, ठीक है। पब्लिक सर्विस डे 23 जून, ओके, 23 जून इस बार आपका 23 जून को पब्लिक सर्विस डे है। थीम है बिल्डिंग बैक बेटर फ्रॉम कोविड-19। तो कोविड-19 से हम लोग और अच्छा काम करना शुरू कर देंगे। इंटरनेशनल वीडोज डे, ठीक है, तो इनके लिए कौन सा दिवस है ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। हमको तो नहीं लगता इसमें कोई डाउट होना चाहिए। देखो डे अभी पढ़े तो अभी बता सकते हो, है ना, यानी कि तुम याद कर सकते हो, तुम याद कर नहीं रहे हो, तुमको बस थोड़ा सा और अपना एनर्जी डालना है। सस्टेनेबल सोल्यूशन फॉर वीडो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। देखिए हमारे देश में और पूरे वर्ल्ड में एक प्रॉब्लम है कि कुछ लड़कियां अभी भी ऐसा सोचती हैं कि दे आर फाइनेंशियली डिपेंडेंट, कभी अपने पापा के कभी अपने पति पे, लेकिन खुद से इंडिपेंडेंट। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हर एक व्यक्ति के लिए, सिर्फ लड़की के लिए नहीं, लड़का के लिए भी बहुत जरूरी है। अब जैसे तुम लोग अभी बड़े हो गए हो, गधे नहीं सॉरी बड़े, ठीक है, अभी तुमको फॉर्म भरना है, फिर तुमको कहीं जाना है, किसी शहर में जाके एग्जाम देना है, तो ये सब में चाहिए ही होता है। तो उसके लिए थोड़ा सा अगर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो आगे जाके आपको काम करने का मौका मिलेगा। हाँ, आप सोलोगैमी भी आ गया है एंड आई सपोर्ट इट, एक्चुअली हमको लग रहा है हम भी वही करने वाले हैं। खैर, व्हाट इज इंडियाज रैंक कॉर्सेडा ग्लोबल स्किल रिपोर्ट में? भारत का रैंक स्किल रिपोर्ट में क्या है? अच्छा, 23 जून को तुम्हारा बर्थडे, तो तुमको तो अब सब याद हो गया होगा, है ना। तो ये आप जानते हैं कि ऐसे एशिया में देखोगे तो 19 है, लेकिन वर्ल्ड में खराब है 68। ठीक, तो एशिया में आप देख सकते हैं, ये सारा रैंक हम लिख दिए हैं। तुम लोग बहुत रैंक का टेंशन लेते हो। देखो, प्रेस फ्रीडम में भी तुम्हारा रैंक खराब है 150, नॉर्वे टॉप पे। एयर पावर में तुम्हारा रैंक अच्छा है, ठीक है, एयर पावर में, यानी कि हमारा जो वायु शक्ति है बहुत स्ट्रांग है, और मोदी जी के रहते हुए डिफेंस कभी खराब हो ही नहीं सकता है, हमारा रैंक है 3rd। ट्रैवल टूरिज्म में हमारा रैंक है, यानी कि जो हमारे देश में आता है ट्रैवल करने का, उनका एक्सपीरियंस जो रहता है 54। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस में 180 कंट्री में हम लोग 180वें रैंक पे, ये तो याद ही होगा। डेनमार्क टॉप पे है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस में हम 37 नंबर पे, डेनमार्क टॉप पे। इसमें कंट्री कम, उसका जिनका आंकलन किया गया है वही कम है, ठीक है। और ये ग्लोबल स्केल में आप देख सकते हैं हमारा पोजीशन 68 है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आपके रैंक हो गए। नेक्स्ट आप बताइए कि गोल्ड काउंसिल, ठीक है, रिपोर्ट ऑफ लार्जेस्ट गोल्ड रिसाइकलर। तो गोल्ड, अब तो किसी का भी शादी हो जाए, किसी का भी देश में, हमको तो समझ में नहीं आता है गरीब कहाँ से, कोई गरीब से गरीब आदमी भी होगा तो वो मंगलसूत्र कम से कम या एक अंगूठी या एक चेन तो सोना का लेके ही रहेगा। ये तो मतलब देखा गया यार, मतलब हम अपने से नहीं कह रहे, तो पता नहीं देश में गरीब है कौन। खैर, तो गोल्ड रिसाइकिल में देखो हम 4th लार्जेस्ट नंबर पे, ठीक है, 4th लार्जेस्ट नंबर पे हम हैं। और हम लोग 75 टन गोल्ड हर बार, मतलब 2021 में रिसाइकिल किए। चाइना टॉप पे है, ठीक है, फिर इटली है, और फिर हमारा रैंक है, ठीक, क्लियर रहेगा, ओके। और फिर यूएस है, फिर हम लोग हैं। नेक्स्ट, FIH में अभी जो आपका हुआ, जो अभी शुरू में आपको बताएं कि इंडिया ने अर्जेंटीना को हरा के जीत लिया है, तो क्या आप बता सकते हैं कि कैप्टन कौन है? वैसे आपको पता होगा कि रानी रामपाल जो है वो इंजर्ड है। हाँ, तो सविता पुनिया जो है, ठीक है, तो ये गोलकीपर जो है यही कैप्टन है, सविता, ठीक है। रानी रामपाल इंजर्ड है, इसीलिए ये अभी नहीं खेल रही है। फिर आप बताएंगे कि डिवेस्टेटिंग अर्थक्वेक ऑफ 6.1 मैग्नीट्यूड। अब देखिए, दो तरह से नापा जाता है, एक होता है रिक्टर स्केल, एक होता है मर्करी स्केल। तो रिक्टर स्केल में तीव्रता नापा जाता है, मर्करी स्केल में लॉस ऑफ प्रॉपर्टी और ये सब नापा जाता है। तो आप बताइए कि ये जो है कहाँ पे हुआ? ये हुआ आपका अफगानिस्तान में, अभी आया है अर्थक्वेक। यहाँ तो पता नहीं, बेचारा बहुत लगता है श्रापित देश, ठीक, कोई भी उसको पता है क्या बोलते हैं कि जितने भी योद्धा गए हैं, जितने भी राजा गए हैं, तो उनका सबका टॉम, मतलब कि मरुस्थली है, वहां पे सभी वहां मर जाते हैं, ठीक। एनडीए का कोलिजन, देखिए, हु हैज अनाउंस्ड, तो आपको पता है एनडीए ने अभी द्रौपदी मुर्मू जी को प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए डाल दिया है। और उसके बाद आप उल्टा भी बता सकते हैं कि ऑपोजिशन ने किसको किया है। तो ऑपोजिशन में आपको पता है कि यशवंत सिन्हा जी, आर्टिकल नंबर 52 कहता है दैट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट 5 साल के लिए होते हैं। क्या एक से ज्यादा बार प्रेसिडेंट बन सकते हैं? हाँ, बन सकते हैं। कितने बार बन सकते हैं? अनलिमिटेड टाइम तक बन सकते हैं। और उसके बाद 35 साल की एज होना अनिवार्य है प्रेसिडेंट बनने के लिए। बहुत बढ़िया लग रहा है, हम मंत्र पढ़ रहे हैं, ठीक। TS त्रिमूर्ति जो है अब वो इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव नहीं है UN में, तो अब इनकी जगह कल ही हम लोगों ने पढ़ा है कि कौन बन गई है इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कहाँ पे, UN में। तो इनकी जगह कौन बने हैं? इनकी जगह रुचिरा कंबोज बन गई हैं, ठीक है। अब ये भूटान की एम्बेसडर थी, बहुत अच्छा इन्होंने UPSC सीखो कुछ, इंडियन फॉरेन सर्विस ये क्वालिफाई की होंगी, ठीक है। और अब ये भारत की रिप्रेजेंटेटिव हो गई हैं। अरब नेशन के बारे में कहानी क्या है, विच अरब नेशंस क्राउन प्रिंस हैज डिसॉल्व पार्लियामेंट एंड कॉल फॉर एन अर्ली इलेक्शन। तो कहाँ के जो क्राउन प्रिंस है वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट को भंग करके अब जल्दी से दूसरा इलेक्शन हम लोग करेंगे। और ये कहाँ के, ये कुवैत के हैं, ठीक है। कुवैत के जो हैं किंग ने अभी वहाँ के पार्लियामेंट को भंग कर दिया है। ओके, हम लोग का भी अब लगता है कि महाराष्ट्र सरकार भंग हो ही गया अब। MOHUA। हाँ, आज पेड बैच में बात करेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, ठीक है। शेड्यूल नंबर 10 एंटी डिफेक्शन लॉ। तो कितने परसेंट या कितना 2/3 1/3 कितने लोग मर्ज होते हैं तब नया पार्टी बनता है, ये सब बात करेंगे। ओके, तो अब आप बताएं कि जो आपका हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मंत्री है, ठीक है, इन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, कल ही बताए गाइस, निर्माण वर्कर्स के लिए। इसका नाम क्या है, निपुण नाम है इसका, ठीक है। तो निपुण यानी कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अपस्किलिंग निर्माण वर्कर्स, कल बताए हैं, मजाक मत करो, ठीक है। 1 लाख निर्माण वर्कर, निर्माण मतलब कि जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जो मजदूर जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उनके लिए निपुण स्कीम है। फिर आप बताएंगे कि विश्वेश्वर टुडू ने 13वां कृषि फेयर इसको इनॉग्रेट किया गया है, ठीक, किसान मेला है। और एंड 20th फोक फेयर कल पढ़े थे हम लोग इसके बारे में, पूरी ओडिशा में इसको किया गया है, पूरी ओडिशा में, जगन्नाथ जी पूरी। वन, अब ये भी कल पढ़े थे कि 36 स्टेट या यूटी कौन सा है जो 1 नेशन 1 राशन कार्ड कर रहा है, ये आपका असम है, पढ़े हैं कल, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। $50 मिलियन एड हम दे रहे हैं, हम नहीं, कौन सा कंट्री दे रहा है, श्रीलंका को, हम लोगों ने तो बिलियन में दे दिया है, तो श्रीलंका को ये दे रहा है कौन सा कंट्री, ऑस्ट्रेलिया इनको दे रहा है, हेल्प कर रहा है, ठीक। ओके, फिर आपको बताना है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC हैज जॉइंड हैंड विथ, तो ये भी आपने वही एक्टिवेट ई कॉमर्स करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्होंने नबार्ड, जैसे एग्रीकल्चर होगा नबार्ड पे टिक कर देना, ठीक है, नबार्ड ही एग्रीकल्चर का काम देखता है। ये कोशिश क्या कर रहे हैं कि जो भी इनोवेटिव सोल्यूशन है जैसे कि ई कॉमर्स वगैरह एग्रीकल्चर सेक्टर में लाया जाए। तो इनका नाम है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ने नबार्ड के साथ गठबंधन कर लिया है, ठीक है। अब आप बता सकते हैं कि देखो शंघाई में आपका हेडक्वार्टर है NDB का, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का। क्या आपको पता है कि गिफ्ट सिटी में जो इसका रीजनल ऑफिस खुलेगा तो कौन बनेगा इसका लीड, अभी तो पढ़े हैं, पता है ना आप लोग को, यस, डीजे वाले बाबू नहीं, डीजे पंडियन बने हैं, ठीक। चले नेक्स्ट, इंटरनेशनल क्रिकेटर एसोसिएशन FICA, अभी आपको पता है कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं और ये बन गई हैं यहाँ की प्रेसिडेंट, तो कौन है ये, इनका नाम है लीसा स्थालेकर। फिर आपको पता है कि सिस्मोलॉजी का ऑब्जर्वेटरी सिस्टम शुरू हो रहा है जम्मू कश्मीर में, तो किसने इसको इनॉग्रेट किया है, फोटो देख चुके हैं आप, लड़की जो फूल ऐसे फेंक रही थी, जितेंद्र सिंह जी ने किया है, ठीक है। फिर योगा के मतलब योगा बोल रहे, इंटरनेशनल योगा डे, ये इस बार जो हमारा वेन्यू रहा, हर बार हम लोग अलग अलग जगह में सेलिब्रेट करते हैं, तो 8th इंटरनेशनल का वेन्यू रहा मैसूर, ठीक है, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। 25 करोड़ लोग देश भर में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है दूसरे दूसरे इवेंट्स में, ठीक है। फिर एक्स खान क्वेस्ट, तो एक्सरसाइज कर रहे हैं हम, मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज हो रहा है जिसका नाम है एक्सरसाइज खान क्वेस्ट। तो ये आपको बताना है कि किस कंट्री में ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो ये कंट्री कौन सा है, पढ़ चुके हैं, पुराना न्यूज है ये, मंगोलिया, ठीक है, मंगोलिया में इसको किया जा रहा है। फिर आपको बताना है नूरी, एक गाना भी था नूरी, ठीक। तो फर्स्ट डोमेस्टिक बिल्ड, ये जो स्पेस रॉकेट है नूरी, ये किसने बनाया है, साउथ कोरिया ने बनाया, ये भी पुराना न्यूज है, बहुत बार हम लोग इसको भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर अष्टांग योगा, अभी सोनू फोगाट जी ने किताब लिखा है, क्या आप बता सकते हैं कि किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने इसको लॉन्च या रिलीज किया है, तो ये कौन से है, मनोहर लाल खट्टर जी, हरियाणा। फिर आप बताएंगे कि फातिमा पेमान फर्स्ट मुस्लिम विमेन टू वेयर हिजाब इन पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री, तो हिजाब पहन के ये पार्लियामेंट में गई हैं, किस कंट्री की हैं फातिमा पेमान, तो ये हैं ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट में हिजाब पहन के जाने वाली हैं फातिमा पेमान जी, ठीक, समझ गए सब बात। अब देखो ये बैचेस शुरू हो चुके हैं, इतना इतना आपको नहीं देना पड़ेगा, कोड हम आपको बता देते हैं। सारे बैचेस जितने भी बैचेस है, मेरा हिस्ट्री का क्लास चल रहा है, कल फर्स्ट क्लास था, बहुत अच्छा गया, शानदार क्लास, नहीं ज्वाइन किया तो कर लो, ठीक है। इतना तो हम गारंटी दे रहे हैं कि कहीं से भी पढ़े होगे वहां पे तुमको बेस्ट कंटेंट मिलेगा हिस्ट्री का, ठीक है। उसके बाद आपका पॉलिटी है, फिर ज्योग्राफी है। तो ये सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के महापैक में आपको सारा डीडीए का, ठीक है, एएआई का, उसके बाद आपका जितना भी एई और जेई होता है और द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसएससी जेई का, सबका बैचेस मिल जाएगा। साथ ही साथ आप देख सकते हैं डिफेंस का महापैक है, तो डिफेंस के महापैक में आपको F-CAT मिल जाएगा या फिर अलग से भी आप ले सकते हैं। CAPF चल रहा है और CDS, और अब तो आपको पता है कि अग्निवीर योद्धाज आपके लिए भी बैचेस आ चुके हैं, तो अग्निवीर की क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं। आपको बस करना क्या है, आप शांति से जाइए गूगल में, ठीक है, इसके पास सारे चीज़ों का जवाब होता है। यहाँ पे आप जाइए अड्डा 24/7 में। जैसे ही आप अड्डा 24/7 में जाते हैं तो बोर्ड हैंग कर जाता है, फिर आप दूसरा साइट खोल के अड्डा 24/7 में अच्छे से चले जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे वेबसाइट में। वेबसाइट में जैसे आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको सारा एग्जाम, जितना एग्जाम जिसका तैयारी करना है करना शुरू कर दो। ऑल कोर्सेज में जाओ, आराम से डिफेंस में जाओ, देखो डिफेंस में अग्निवीर वायु का क्लासेस शुरू, एग्जाम पता है ना कब से है, 24 जुलाई को इसका एग्जाम। तो यहाँ पे आप कोड यूज कर सकते हैं, कौन सा, Y332, और अप्लाई कर सकते हैं। जो भी बच्चे हैं जिसको जाना है, इसमें 1100 करीबन 50 रुपए में आपको ये पूरा अग्निवीर वायु का क्लासेस मिल जाएगा। फिर ऑल कोर्सेज में गए आप, डिफेंस में गए, F-CAT का तैयारी कर रहे हैं तो आप शांति से F-CAT में चले जाइए। ये पुराना बैच है, ये नया बैच है। पुराना बैच जो है इसमें बहुत सारे क्लासेस हो चुके हैं, लेकिन आपको रिकॉर्डेड क्लासेस दिख जाएंगे। Y332 1300 ऑलमोस्ट 80 रुपए में आपको ये क्लास मिल जाएगा। और अगर आप नए बैच में जाना चाहते हैं तो ये आपका नया बैच है, इसमें अभी क्लासेस शुरू होने वाले हैं 1 जुलाई से, ठीक है। तो अभी तक अगर आपने इनरोल नहीं किया, आप यहाँ इनरोल कर सकते हैं Y332। तो यहाँ पे आप 2184 रुपीज में चले जाएंगे, ओके। ऑल कोर्सेज में फिर आप जाएंगे, डिफेंस में आपको CDS दिखेगा, ठीक है, CAPF दिखेगा, और महापैक में सब कुछ मिल जाएगा। अग्निवीर वायु, अग्निवीर इंडियन आर्मी, सब सारे क्लासेस आपको मिल जाएंगे। बस आपको जाना है, उस पर क्लिक करना है और कोड यूज कर लेना है Y332। ये 1 साल का महापैक है। अगर आपको 6 महीने का महापैक चाहिए तो यहाँ पे 6 महीने का भी ऑप्शन है, 6 महीना 1 साल। तो 1 साल का हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे आपको कोड कौन सा यूज करना है, कोड तो पता ही चल गया होगा इतने दिन में, Y332, और अप्लाई कर देना है, बस हो गया। अच्छा नहीं हुआ, हो गया। 3219 रुपए में मिल गया आपको ये बैच। और अगर आप इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, गेट इंजीनियरिंग एग्जाम में SSC AI DDA। देखो हम सही बता रहे हैं, मजाक नहीं। जितना भी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो भी आपका नॉन टेक GK करंट अफेयर्स का पोर्शन है वो पूरा हम पढ़ा रहे हैं आपके, जब आप कोई भी इंजीनियरिंग बैच में जाते हैं तो टू द पॉइंट और एकदम सब कुछ बताया जा रहा है आपको, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटी दे रहे हैं। जब करंट अफेयर्स हम YouTube पे पढ़ा के आपको गारंटी दे सकते हैं तो पेड बैच में तो दे ही सकते हैं गारंटी, राइट। तो आप लोग बैचेस में एनरोल हो सकते हैं। अब जैसे AI का बैच है तो ये चल रहा है आपका कल से, देखिए 23 जून से, आज 24 जून हो गया है ना। तो यहाँ पे आप कोड यूज कर सकते हैं Y332 और अप्लाई कर दीजिए, बस बैच में एनरोल हो जाइए और महापैक में तो आपको मिल ही जाएगा क्लासेस। सो थैंक यू फॉर द सेशन, मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।